जुगाड़ आपका बहुत बढ़िया है ये क्या। इससे सब काम होता है भैया, गिट्टी भी निकलता है, मसाला भी कुटाता है, मारे पीट होता है तो यूज करते हैं इसमें। टेस्ट लगे खाने में, इसलिए बनाते ना, तो ऐसे होटल में नहीं खाते। हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे नए से वीडियो में। तो दोस्तों एक बार फिर आपको एक नई जगह पे लेके आ चुके हैं। फिलहाल अभी हम लोग खड़े हैं, ये देखिए तीन ट्रक ड्राइवर एक लाइन से लगा हुआ और तीनों भाई ही हैं और तीनों भाई मिल के आज बनाने वाले हैं मटन। तो वैसे देखिए आप ये ट्रक ड्राइवर भैया, अच्छा अभी कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? अभी झारखंड से आ रहे हैं। अच्छा अभी क्या बनाइएगा? मटन बनेगा। मटन बनेगा, सेटअप रेडी हो गया हम लोग का मटन का? चलिए तब दिखाइए। तो चलिए इधर फिलहाल देखिए हम लोग का मटन का सेटअप रेडी हो गया भैया? हाँ रेडी हो गया। अच्छा इधर प्याज वाज छिल लिए हैं? हाँ छिला गया सर। लहसुन भी आ गया, लहसुन का फोट यूज करते हैं? हाँ फोट भी यूज होगा और छिलाएगा, अभी दोनों होगा। अच्छा इसमें क्या करते हैं वैसे अभी? क्या इसमें तो चावल है। अच्छा चावल रेडी कर रहे हैं? चावल रेडी हो रहा है, अभी होने वाला है। आप लोग साथ में है भाई? दोनों भाई है, तीनों वो गाँव का बंदा ही, दोनों भाई हैं। अच्छा अभी मटन चावल बन जाएगा, मटन बनेगा। अच्छा लेते हैं मटन? हाँ वहाँ पे है मटन। अच्छा लेते हैं ना? हाँ लेते हैं। छिलेंगे और गोटा भी रखेंगे? गोटा भी रखेंगे, गोटा भी डालते हैं। अच्छा आपको पसंद है कि नहीं गोटा खाने वाला? कहें कि बहुत कोई का फेवरेट होता है, ठंडी में एकदम चूस के खाता है क्या? वैसे ये क्या लिए है, इसके लिए लिए? हाँ ये टायर में गिट्टी डाला जाता है, कुंडी है। अच्छा मतलब अभी खाना में यूज करते हैं क्या? नहीं नहीं यहाँ इसको कूटेंगे, मसाला कूटेंगे। अच्छा इसी से मतलब? हाँ मसाला वहाँ का भी काम कर लेते हैं ना, इधर भी जुगाड़ हो गया, दोनों काम हो जाता है। वाह चलिए इधर प्याज काटना शुरू कर। हाँ प्याज कटा रहा है, छिला रहा है। सारा कितना डालते हैं वैसे? ये सारा प्याज डाल देंगे। अभी कितना मटन बना रहे हैं? हाफ के जी है। हाफ के जी में कितना प्याज यूज करते हैं? हाँ 400 ग्राम ले। 400 ग्राम। हाँ वैसे आप लोग आ कहाँ से रहे हो? आ तो रहे हैं मिर्जा चौकी से, महादेवगंज। अब इसको बारीकी से काट लीजिए क्या? अच्छा उस टाइप से काटते हैं ना कि अच्छा से गल जाए मटन? एकदम पता नहीं चलेगा भैया। हाँ मतलब ग्रेवी बना दीजिएगा पूरा प्याज का? इसको तो कुछ भी देते गिलास में, लेकिन वैसे अभी तो टाइम भी हो गया, बहुत भूख भी लग गया। नहीं नहीं नाश्ता वास्ता कर लिए, लिट्टी तो खा लिए, मटन नाश्ता कर लिए थे ना। यहाँ से हम लोग 12-1-2 बजे खाएगा ना? हाँ 2 बजे खाएंगे, उसके बाद 1 घंटा आराम करेंगे, शाम को निकलेंगे यहाँ से खाली करने जाएंगे। अभी वैसे जा कहाँ रहे हैं? अभी जाएंगे वहाँ जरसो जाएंगे, बहरी के पास जरसो पड़ता है, वहीं जाएंगे खाली करने। प्लान करें बिहार में ही है? बिहार में, भारत के दरभंगा जिला में पड़ता है। दरभंगा जाइएगा यहाँ से? दरभंगा भी बहुत दूर है काफी। नहीं दरभंगा नहीं जाना, 100 किलोमीटर है यहाँ, दरभंगा जिला में जाना है, जिला में जाना है, बहरी जाना है, बहरी। अभी क्या लूट किए हुए हैं? डस्ट लाते हुए, डस्ट डस्ट रोड का माल है। क्या कर रहे भैया? मरीच रख रहे हैं भैया। अच्छा इसको कूटिएगा ना? मरीच कुटाएगा, जीरा कूटिएगा। अच्छा जितना डालना है उतना ही निकाल रहे हैं? चलिए इधर फिलहाल हम लोग का जीरा और गोल की कुटा रहा है। अच्छा इसी से सब कुछ कूटते हैं क्या खाना बनाने से? अभी यूज करते हैं, लेकिन जब वहाँ मटेरियल निकालना होता है तो इससे ऊपर से यूज करते हैं ना? इससे निकालते हैं। इधर हम लोग का चावल रेडी हो गया भैया? चावल तो रेडी हो गया भाई, कढ़ाई वाले ना भाई? यहाँ पर रखो, यहाँ पर रखो, ठीक है? ठीक है यहाँ, और इधर नहीं नहीं वैसे गाड़ी सब तो आप ही दोनों भाई का दोनों? हाँ अच्छा मतलब दोनों अलग अलग दिशा जाते हैं? नहीं सब एक ही दिशा जाएगा। अच्छा। एक प्लांट में चलता है, प्लांट टू प्लांट। अच्छा वैसे आप लोग तो चावल ऐसे ही पसाते होंगे टायर के ऊपर ही रख करके? हमेशा हमेशा गाड़ी में ही पसाते हैं, स्टॉप पर रख के। अच्छा हाँ तो भैया इधर महीन से कुटा गया ना भैया? हाँ भैया कुटा गया। चलिए ये क्या हो गया भैया आपका? ये गरम मसाला है भैया। गरम मसाला है ना, इसको भी एकदम महीन कूट लीजिए इसके तरह क्या? हाँ वाह, मतलब मटन आप लोग ऐसे ही बनाते हैं यहाँ पर? आपको आता है कि नहीं मटन बनाना? बनाते हैं। अच्छा आप ही बनाइएगा, आपको आता है कि नहीं? दोनों भाई बनाते हैं। तो चलिए इधर हो गया गैस ऑन, इधर आ गया हम लोग का टोपिया क्या? अच्छा मछली सब इसी में बनाते हैं? नहीं मछली कढ़ाई में बनता है, फ्राई वाई कढ़ाई में होता है। अच्छा जी आपका तेल, हाँ इसको गर्म कर लेते हैं, इसमें का पानी सुखा लेते हैं, गर्म करते हैं, तब इसको कुटना भाई, तब इसमें भाई तेल डालेंगे। डाल दीजिए। कितना यूज करते हैं तेल उसे? तेल जितना मन करता है उतना खाते हैं, जितना मन करता है 150 ग्राम। हाँ इसमें मिर्चाई के फोरन मारेंगे, जीरा के मारेंगे, तब प्याज रखेंगे। ये क्या कर रहे हैं भैया? इसको तनका रिफाइन कर देते हैं मस्क के,
रिफाइन। हाँ अच्छा, इसमें का तो ना गर्दा सर्दा मर जाए, साफ हो जाए जो भी है। तेल को भी हीट कर लेते हैं क्या? तेल गर्म होता है तब मरीच डालेंगे, तब लाल मिर्चे डालेंगे। इधर आ गया आपका जीरा। हाँ, इधर आ गया लाल मिर्च। लाल मिर्च इवन नहीं उड़ेगा? ना उड़ेगा, बाद में रखेंगे। अदरक आपका प्याज, प्याज गला रहा है और बारीकी से काट लिया क्या ताकि गल सके? हाँ। कितना प्याज था आपको ये? आधा आधा के जी ना? 400 ग्राम प्याज। 400 ग्राम इधर आ गया आपका फ्रेश फ्रेश प्याज। उधर आपका मसाला अभी तक कुछ ही रहे क्या भैया? वो अभी कुछ आ रहा है, उसको फिर पानी में घोलेंगे अभी। अच्छा, उसको पानी में घोलिएगा। अभी घोलाएगा, पानी में घोलाएगा। मटन बना रहे कुछ यूनिक तरह से, टेस्ट लगे खाने में, इसलिए बनाते ना, तो ऐसे होटल में नहीं खाते। कितना देर तक इसको गलाते हैं? इसको 10 मिनट बस गल जाएगा। 10 मिनट ना? 10 मिनट में गल जाएगा। सेटअप भी आपका काफी बेहतरीन है क्या? दोनों तरफ टायर ट्रक और बीच में हम लोग का खाना बन रहा है। इसका एक रहा अलग रखा। फिलहाल इधर आ गया आपका मटन। वाह, पूरा फ्रेश फ्रेश लेते हैं क्या? ननी वाला पीस है कि नहीं इसमें भैया? सब है इधर, आप सबको मीडियम में काट के दिया। ठीक है ठीक है। मतलब इसको छोटा करना था क्या? छुप कर देते, इसी में रहते हैं। हाँ ठीक तो है, रहना तो ना, क्या काटेगा उसको? सब मीडियम है। ये कौन सा? ये तो अभी का है, क्या बोलता है, टांग का, घुटना का, साफ कर क्या। चलिए इधर हो गया। चलिए इधर आ गया आपका मटन। हाँ भैया, मटन का बाद में आ गया ना। हाँ, तो प्याज गला लिया अच्छे से? प्याज गल गया, मटन अब डालेंगे इसमें। मटन लेकिन अभी प्याज लग रहा है कि थोड़ा है उसको? हाँ, मतलब पूरा एसी कर लेते, रसगुल्ला बना लेते एकदम? बिल्कुल गल जाएगा भैया, देखने में अभी लग रहा है, जब बनेगा तो पूरा गल जाएगा। अच्छा, तो मटन बनाना सीखे कहाँ से आप? सीखे कहाँ से, अपने आप गाड़ी पर रहते रहते बनाते रहते। मान लीजिए भूखे रहेंगे तो बनाइएगा नहीं, हाथ गोर ना चलाइएगा तो भूखे ना रह जाइए। गाड़ी लाइन में कब से आया? गाड़ी लाइन में आए थे हम 2009 से हैं। 2009 से इधर हो गया, मतलब 14-15 साल हो ही गया आपका क्या? अभी कोई यूज नहीं है? डालिएगा ना वो गोटा जो बोले थे डालेंगे, वो अब डलाएगा इसके साथ। चलिए इधर आ गया आपका गोटा लहसुन क्या डाल लेते हैं उसके बाद ये डलाएगा। स्पेशल अपने लिए डालते हैं वो, अपने जो आदमी खाएंगे जो वो खाएगा उसको चाहेगा। ये डला रहा है फिर लहसुन आपका खारा लहसुन। खारा लहसुन मतलब ये हो गया एक गोटा, ये हो गया खारा, ये गल जाएगा। नमक ला रहे बुआ? ये मीट मसाला है भैया। इससे पहले क्या डाले थे? जीरा गोल के, जीरा और गोल मरीच था। अच्छा, ये कौन सा मसाला? ये मर्चा। मर्चा इसको पानी डाल के मतलब बना लेते हैं। अच्छा, ये सब क्या आपका? ये सब नहीं पड़ेगा। धनिया रखा? धनिया रखा है। अच्छा, धनिया डालिएगा? हाँ धनिया डालाएगा। ये धनिया आ गया आपका ना? आ गया। अच्छा, हम बहुत जगह देखे ट्रक ड्राइवर वाले भैया हो या कहीं पे, मतलब इस तरह से नहीं मटन बनाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब कुछ अलग तरह से बना रहे हैं ना? सब अपना अपना चॉइस से बनाते हैं, जिसको जैसा अच्छा लगे। आप लोग जब भी मटन बनाते हो तो इसी तरह से बनाते होंगे? इसी तरह बनाते हैं। तो चलिए इधर हो गया आपका हल्दी। हल्दी हो गया, ये मसाला कम्प्लीट? हाँ मसाला। इसमें पानी डाल के मिला लीजिए? हाँ मिलाएंगे पानी डाल के। तो चलिए इसमें आ गया फिलहाल हम लोग का पानी, एक बार इसको थोड़ा सा पेस्ट बना लेते हैं हम लोग। चलिए इसमें पानी डाल के मिला लिए भैया? हाँ भैया मिला लिया, अब डाल रहे हैं इसको इसमें। चलिए डाल लीजिए। ये हो गया आपका फाइनल मसाला क्या? ये फाइनल हो गया, अब कुछ नहीं पड़ेगा, गरम मसाला बाद में पड़ेगा। हाँ लास्ट में जैसे पड़ता है क्या? नमक रखे बुआ का? नमक कम डालोगे भैया? कितना देर में रेडी हो जाएगा मसाला? सब तो डाल ही दिया है। इसको आधा घंटा समय लगेगा। आधा घंटा लगेगा ना? आधा घंटा लगेगा। मिलाते रहिएगा? मिलाते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी गर्म करके डालते रहेंगे। अच्छा, पानी गर्म करके डालते रहिएगा तब इसको उतारना पड़ेगा? इसी पे पानी गर्म हो जाएगा। हो जाएगा उसको रखिएगा? इसी पे रख के गर्म कर लेंगे। जुगाड़ आपका बहुत बढ़िया है ये क्या? इससे सब काम होता है भैया, गिट्टी भी निकलता है, मसाला भी कुटाता है, मार पीट होता है तो यूज करते हैं इसमें। मार पीट होता है तो यूज भी होता है इसमें? हाँ, पकड़ के दे दीजिए। मार पीट होता है क्या रियल में? ऐसे तो नहीं होता है कभी काल, अभी तकला मान लीजिए 12-13 साल का ड्राइविंग करते हो गए, अभी तकला तो कभी मार पीट नहीं हुआ है। नहीं हुआ है? कोई प्रॉब्लम होता भी है? कुछ भी नहीं होता है। अच्छा, आप जैसे आप निकलते तो दूसरे शहर जाते होंगे, जैसे इस बार बिहार आए हैं यूपी से? जैसे अभी झारखंड से आ रहे हैं बिहार, झारखंड से आ रहे हैं बिहार, फिर झारखंड जाएंगे जी। ऐसे और देश में भी जाते हैं, अभी खैर बिहार छोड़ कर अभी कहीं नहीं जा रहे हैं। अच्छा,
बिहार में काम चल रहा है, मान ली कैसे ले बिहार में है। वैसे भी बिहार में सुनने भी आता है क्या ट्रक ड्राइवर वाले भैया सब बहुत परेशान किया जाता है, यहाँ का जो बैटरी से वो सब खोल लेता है। नहीं तो सब जगह नहीं खोलता है भैया, नया नया जगह पर खोलेगा। हाँ ये सब प्रॉब्लम अभी आपके पास नहीं आए? नहीं, भगवान करे ना ही आए। चलिए इधर अब थोड़ा थोड़ा मिला लेते, थोड़ा थोड़ा देते क्या। हाँ सही बात। तो चलिए इधर पानी गर्म कर रहे हैं क्या? वाह, मतलब अच्छा जुगाड़ लगा है पानी गर्म। हाँ अच्छा जुगाड़ है। तो थोड़ा थोड़ा ही गर्म करते तो ढाल देते हैं। हाँ हो जाएगा, इसी में तरी बन जाएगा, थोड़ा थोड़ा डालते जलते। हाँ कितना डालते होंगे पानी करीब? बस वही तीन पावले। तीन पावले मतलब रस वाला मटन बनाते हैं क्या? रस वाला बनता है, होता ग्रेवी वो उस टाइम का। तो रात के बनाते हैं हम लोग रोटी में खाने के लिए। अच्छा वो अलग बनाते हैं, वो सूखा टाइम के बनाते हैं। यही सिस्टम बनता है, यही लेकिन सूखा बनता है। पानी नहीं डालते? नहीं, पानी नहीं डालते, डलाता है हल्का हल्का, जास्ती नहीं। तो चलिए फिलहाल इधर आ गया आपका गरम मसाला। गरम मसाला भैया, मटन रेडी हो गया क्या? हाँ मटन अब रेडी है, फिलहाल उतरेगा तो थोड़ा सा डाल देते हैं। अच्छा वहाँ क्या खुशबू होती क्या? खुशबू तो आने भी लगा आता है, खुशबू ऐसे करेगा। अब इसमें पानी डाल करके करेंगे। अच्छा अभी और पानी लगेगा? हाँ, थोड़ा और डालेंगे तो सीझेगा। हाँ। ये तो अभी भुजा ही रहा है। हाँ उसको पानी डाल के छोड़ देंगे, उतार देंगे। अब लेकिन सुगंध भी काफी बढ़िया आ रहा है क्या? आएगा अभी तो जीरा फ्राई करेंगे लास्ट में उससे। अच्छा अभी और भी बाकी है? हाँ, एक जीरा डाल के उसको छौकेंगे। अच्छा जीरा डाल के छौकिएगा। छौकेंगे। वैसे आपका शादी हो गया है क्या? हो गया है। हाँ हो गया। अच्छा भाई का भी हो गया आपके भाई? हाँ दोनों भाई का हो गया। तो यहाँ से आप घर भी जाते होंगे? हाँ घर भी जाएंगे, जाते हैं 15-20 दिन पर। 15-20 दिन पे एक बार घर जाते हैं। हाँ एक बार गए, दो तीन दिन रहे चला। अच्छा हाँ बस दो दिन के लिए जाते हैं। अब देखिए जैसा मालिक का छुट्टी मिलेगा उतना दिन रहते हैं, दो दिन तीन दिन पाँच दिन। ये तो आप किसी के अंडर में रहेगा तो उनके हिसाब से चलना। हाँ भाई उसी का, जिसका ड्यूटी कर रहा हूँ उसी के हिसाब से चलना होगा। वैसे कितना हो जाता आपको इसमें क्या पैसा? 20-25 हज़ार हो जाता है। साइड से भी कुछ रहता है? सब उसी में ले देगा, और होता है तो पॉकेट भी खर्चा होगा। वैसे ये आपका प्राइवेट ही होगा ना? हाँ प्राइवेट है। जैसे मालिक का जैसे गाड़ी वो सरकारी है या प्राइवेट ही है? नहीं प्राइवेट है अपना गाड़ी मालिक का। बस आपको वहाँ से मतलब ठीक है? हम लोग का चक्कर के हिसाब मिलता है। चक्कर का मतलब आना जाना का? आने जाने का 6300 रुपया देता है मालिक। अच्छा ये सब जो बर्तन है वो किसका है? ये सब मेरा अपना खरीदा हुआ है। खाना का पैसा मिलता है कि नहीं? हाँ मिलता है, 400 रोटी खर्चा रोज मिलता है। पर डे मिलता होगा? पर डे दिन 400 रुपया मिलता है। बढ़िया। फिलहाल खलासी नहीं देता, खलासी के पैसा मालिक नहीं देता। अच्छा खलासी का इसलिए अकेला चलना पड़ता है, नहीं तो आदमी डबल खोजता है गाड़ी पे। अब गाड़ी उड़ी चढ़ाई पे लग गया फिर इसको ढूल जाएगा तो ओठ लगाने के लिए तो आदमी चाहिए। वो तो है। ब्रेक रोल का गया ओठ लगाने के लिए तो आदमी चाहिए दब के, इसलिए मालिक खलासी नहीं देता है। अब मालिक का दोष है। अच्छा जीरा का वही छौकेंगे इसको। अच्छा जैसे ये आपका गाड़ी था अकेले चलते हैं? हाँ अकेले चलते हैं। चावल सब बन गया, सिर्फ मीट बचा हुआ है। होगा तो देखेंगे, थोड़ा रोटी वोटी बनाएंगे। अच्छा हाँ ड्राइवर साहब कहलाते हैं, लाठी उत्ता खाते हैं, रोड पर से बच के चल जाते हैं तो किसी का साइन पत्ता कहलाते हैं। तो चलिए इधर मटन रेडी। हाँ रेडी हो चुका भाई, देखो कलर हो चुका है। अभी देखिए मटन पूरा दिखा दीजिए एक बार अच्छे से, एक बार मिला दीजिए। ये बनने के बाद का है क्या? बन गया ही मटन वटन सीज गया है? एकदम सीज गया, बुझा हड्डी हड्डी बिक गया। अच्छा चेक नहीं किए सीजा है कि नहीं? मैं चेक कर कलर से देख लिए। अच्छा देख के पता कर लिया? हाँ पता कर लिया, देख लीजिए पूरा सीज गया, हड्डी हड्डी छोड़ दिया एकदम। खुशबू भी और ग्रेवी काफ़ी बढ़िया था क्या? चलिए उतार लीजिए अब क्या। अच्छा वो जो बोल रहे थे वो नहीं किया? सॉरी आप करेंगे। चलिए इधर आपका तीसरा बार चूल्हा ऑन हो रहा है क्या? तीसरा बार ऑन हो रहा है। एक बार चावल बनाए एक बार मटन बनाए आप छौंकिएगा। छौंकेंगे इस पे। ये मतलब कुछ ज़्यादा ही यूनिक लगा, जैसे ये कुछ ज़्यादा ही यूनिक लगा क्या? इससे अच्छा लगेगा, जैसे दाल वाल छौंकते हैं वैसे आप मटन छौंक रहे हैं। हाँ छौंकाएगा। वाह चलिए इसमें थोड़ा सा तेल डालते होंगे? तेल और जीरा क्या? पकड़िए इसको, हम ही छौंक देंगे क्या? हाँ कोई दिक्कत नहीं। आपका तेल उठा के रखे ना, इधर आ गया आपका जीना। अच्छा इसको वो, हाँ ये हुआ कोई बात, गंदगी निकाल दिया क्या? हाँ, मतलब सब निकल गया है, पहाड़ी का ऊपर का हिस्सा सब निकल जाएगा। वाह भाई चलिए डाल दीजिए। अच्छा ये फेंकेगा नहीं ना डालने के बाद? नहीं नहीं फेंकेगा, एक मिनट भाई मुंह जल जाएगा आराम से डालना। बोलिएगा डालने वक्त नहीं अभी जलने दीजिए उसको। अच्छा जलने देते काला, मतलब काला कर लेते हैं। वाह इसको बताइए ना जरा नहीं लगेगा काले। तो चलिए यहाँ देखिए, तो चलिए यहाँ देखिए जैसे दाल में छौंक लगता है हम लोग का मटन में छौंका लग रहा है। ओहो मतलब काफ़ी यूनिक आप दिखा दिए, ये लास्ट का टचअप लास्ट का है।
खुशबू भर गया महको भी इसका बढ़ रहा है एकदम चौका वाला फ्लेवर दे दिया हो गया हो गया भाई चौका वाला रेडी हो गया हमारा मटन रेडी रेडी हो चुका है नीचे हो गया चावल ऊपर हो गया मटन ऊपर हो गया मटन क्या तो चलिए इधर प्लेट लग रहा है हां प्लेट इसमें चावल करेंगे अच्छा आप अपने लिए निकाल लिए ना इधर हां जी हां रोटी तो अभी फिलहाल बना लेते लेकिन नहीं बनाया ये तो हम क्लास अभी ही खत्म हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं अभी रोटी बनाएंगे फिर आप लोग रात का खाना क्या बनाएगा रात का रोटी मछली मछली मतलब पहले से मतलब सोच के रहते ये खाना है क्या काफी है चावल फिर बिहान सादा खाना बनेगा तो शनिवार हो जाएगा कल सादा खाना बनेगा कल सादा खाना बनेगा इधर आ गया आपका मटन अभी मटन आ गया ये देखिए जीरा वाला मटन क्या जी काफी उभर के ऊपर से मटन दिख रहा होगा नली वाला पीस निकाल लीजिए एक मिनट निकाल देते हैं भाई एक मिनट ये वो वाला पीस काफी रसदार देते हैं रसदार होंगे तभी तो खाइएगा मटन खाइए आराम से खाइए बहुत चावल है रोटी बनाएंगे हम लोग आराम से खाएंगे चलिए मटन निकल गया हम लोग का निकल गया करिए टेस्ट आप कीजिए इतना मेहनत किया मटन बनाए हैं अभी देखिए आप ब्रश करके आ रहे थे टेस्ट तो बढ़िया है भाई बढ़िया बढ़िया खाइए ये आ गया चावल ये आ गया ग्रेवी ये आ गया पीस क्या लास्ट में जो तड़का लगा है एकदम ग्रेवी को पावरफुल कर दिया एकदम मतलब इसी तरह से बनाते आते हैं एक इतना सही थी सर काफी गजब का बना है ये देखिए पीस भी काफी बढ़िया सा आपका सीझा हुआ है क्या अभी नहीं आप थोड़ा सा दम ठीक है वाला दिक्कत नहीं बढ़िया सीझ गया ये देखिए पीस भी काफी बढ़िया सीझा हुआ है हां सीझ गया अभी एक थोड़ा सा पीस ट्राई कीजिए खा करके काफी बेहतरीन हाँ खाएंगे बढ़िया बढ़िया ये पोट उठ खाते हैं कि नहीं सब खाते हैं अच्छा स्पेशली आपने अपने लिए हाँ हाँ लीजिए एक बार वाह चलिए काफ़ी जरूर तरह से आप मटन देखे भी और काफ़ी बढ़िया भी लगा चलिए इस वीडियो को यह समाप्त करते हैं मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें चलिए तब तक लिए बाय 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 बोल दीजिए भैया बाय भैया बाय